नमस्कार, मेरा नाम निशान सिंह चाहर है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं वीर गाथा प्रोजेक्ट 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज आपको एक वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। मेरे हिसाब से हम सभी उनको जानते हैं, और शायद अभी उन पे कुछ समय पहले ही एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था शेरशाह। और अब मैं उनके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी आपको दूंगा। पहला कि कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में हुआ था। उनको शुरुआत से ही आर्मी में बहुत दिलचस्पी थी, और उनकी ये दिलचस्पी एक दिन रंग लाई। उनको एज अ लेफ्टिनेंट 13 जैक राइफल्स में पोस्टिंग मिली इन जम्मू जम्मू में पोस्टिंग मिली। और कुछ समय बाद ही कारगिल युद्ध के छिड़ जाने के कारण के बाद उनकी भी बटालियन को वहां बुलाया गया। फिर उनके दो बहुत ही फेमस कहानियां हैं। पहली कि उनने कैसे 5,140 की चोटी को हासिल किया, और दूसरा 0.48275 को कैसे उनने हासिल किया। तो पहले 5,140 को जब कैसे उनने पे जब उनने हासिल किया उसको, उसके बाद उनको कैप्टन बना दिया गया। फिर वो उनका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा कहने लगे। लेफ्टिनेंट से उनको कैप्टन के लिए प्रमोट किया जब उनने 0.5840 को हासिल किया। उसके बाद जब एक और फिर जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा अब एक ही चोटी रह रही है 0.4875, और उसको हासिल कर लिया तो समझो एक कारगिल का युद्ध खत्म। तो कैप्टन विक्रम बत्रा सोचते हैं कि ये चोटी हमारी कंपनी हासिल करेगी। तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से जाके कहते हैं कि सर, मैं चाहता हूँ कि ये 0.4875 को मेरी कंपनी हासिल करे। तो उनके कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, अभी आप आराम कीजिए, अभी उस जगह के लिए दूसरी एक कंपनी जाने वाली है। तो फिर वो तब भी कहते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा एक और बार अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहते हैं, नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी ही जाके उस वहाँ पे तिरंगा लहराए। तो फिर उनके कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है और आप जा सकते हैं। तो फिर वह कुछ समय के अंदर ही अंदर उस चोटी पे पहुंच जाते हैं, 0.4875 के करीब पहुंच जाते हैं। बस वहां पे सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि वहां बहुत ऊंचाइयों तक पाक सेना के सैनिक बैठे हुए थे। फिर उनने उस जब वहां पे जो लड़ाई शुरू हुई उसमें उनने कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 पाक के सेना सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद उनको किसी दूर से किसी एक पाक सेना के स्नाइपर ने उनकी को फायर किया उनकी गो उनको गोली लगाई गोली मारी। उसके बाद तब भी जब अपनी अपने कमांडिंग ऑफिसर को कैप्टन विक्रम बत्रा को जब उनकी बाकी के सैनिक गिरते हुए देख रहे थे, तो उनने ये नहीं सोचा कि मतलब अभी हमें यहाँ रुकना है, मगर उनने सोचा कि हमें हमारे कैप्टन की जो चाहत है, मतलब जो कैप्टन हमारे चाहते थे कि हम इस पॉइंट पे अपना तिरंगा लहराएं, वो करके दिखा रहे हैं। तो वो तुरंत और उनने और बाकी की उनकी पूरी सेना सैनिकों ने सबने तुरंत जाके वो स्नाइपर को भी वहां नेस्तो नाबूद कर दिया, और कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस पॉइंट पे भी अपनी फतेह बना ली। अफसोस, मगर कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं बच पाए। मगर आज भी मेरे को लगता है जब मैं उनकी कहानी सुनता हूँ कि ऐसे कैप्टन को मेरी तरफ से मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उनको अपने देश की परवाह थी, उनको अपनी जान से ज़्यादा अपने देश की परवाह थी। और उनके सैनिकों को भी उनके उनका कैप्टन क्या चाहते हैं उसकी परवाह थी। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही और भी सैनिक हों। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहाँ पूरी करता हूँ, और जय हिंद। क्या साथ?